वही इस वक्त बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से आ रहा है, जहां नतीजों को देखते हुए पीडीपी के प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने लोगों को बधाई दी है। उनका बड़ा बयान इस वक्त सामने आ रहा है। जम्मू कश्मीर के लोगों को उन्होंने बधाई दी है कि उन्होंने स्टेबल सरकार चुनी। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी हम आपको बता रहे हैं जम्मू से, जहां पे पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने नतीजों पर कहा है कि जम्मू कश्मीर के लोगों को बधाई। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि जम्मू कश्मीर के लोगों ने एक स्टेबल सरकार चुनी है, इसके लिए उनको ढेरों बधाई। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी हम आपको दे रहे हैं जम्मू कश्मीर से, जहां पे पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती का बयान सामने आया है, जहां पे उन्हें जम्मू कश्मीर के लोगों को एक स्टेबल सरकार चुनने के लिए बधाई दी है। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी हम आपको दे रहे हैं जम्मू कश्मीर से, जहां पे नतीजों को देखते हुए महबूबा मुफ्ती का एक बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने जम्मू कश्मीर के लोगों को बधाई दी है। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी हम आपको दे रहे हैं, जहां पे जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के नतीजों को देखते हुए पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने लोगों को बधाई दी है। उन्होंने लोगों से कहा है कि एक स्टेबल सरकार चुनने के लिए सभी को बधाई। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी हम आपको दे रहे हैं जम्मू कश्मीर से, जहाँ पे पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती का बड़ा बयान सामने आया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की कयादत है, लीडरशिप है, उनको मुबारकबाद देना चाहती हूं। उनकी बड़ी शानदार कामयाबी हुई और उसके साथ साथ जम्मू कश्मीर के लोगों को भी मुबारकबाद देना चाहती हूं कि उन्होंने एक स्टेबल गवर्नमेंट के लिए वोट डाला, क्योंकि पिछले 10 साल से जो हालात रहे जम्मू कश्मीर में, बिलखसूस 2019 5 अगस्त के बाद, तो जम्मू कश्मीर के लोगों को बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, बहुत मुश्किलात हैं, और उसके लिए एक स्टेबल गवर्नमेंट का, एक मजबूत सरकार का बनना बहुत ज़रूरी है। मैं जो हमारे पीडीपी के जो हमारे लीडर्स हैं, वर्कर्स हैं, जिन्होंने हमें बहुत मुश्किल हालात के बावजूद वोट डाला, उनकी भी बहुत शुक्रगुजार हूँ और उनसे यही अपील करूँगी कि हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, उतार चढ़ाव आते रहते हैं। और मुझे इस बात की खुशी है कि जिस तरह से लोगों ने वोट किया एक स्टेबल गवर्नमेंट के लिए, तो जो इसमें गड़बड़ करने का कोई चांस नहीं अब, क्योंकि लगता था कि अगर मैंडेट कुछ मिक्स्ड होगा, अगर एक तरफा मैंडेट नहीं होगा, तो फिर उसमें बहुत सी शरारतें हो सकती थी, बहुत सारी उथल फुथल हो सकती थी, और कहीं ना कहीं यहाँ के जो लोगों ने मैंडेट दिया है उसको डिफीट करने की बात हो सकती थी। इसलिए आई कॉन्ग्रेचुलेट ऑल ऑफ देम, स्पेशली पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, जिन्होंने बहुत जो है सोच समझ के एक स्टेबल गवर्नमेंट के लिए वोट दिया। Want to ask anything?